ओके ऑलराइट गाइस, तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू ट्यूटोरियल के साथ, जो कि मेरा जो मोहब्बत कॉन्सेप्ट मैंने अपलोड किया था इंस्टाग्राम पर, जो कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है एंड उसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो फाइनली हाजिर हूँ उस ट्यूटोरियल के साथ। बट गाइस, आपको फुल वीडियो देखना है एंड बनाना है एंड इंस्टाग्राम पर अपलोड करो तो टैग कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने सीखा या फिर नहीं सीखा। एंड इंस्टाग्राम का यूज़र नेम ये है, लिंक वगैरह मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप फॉलो भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स डू। तो गाइज, हमारा जो बैकग्राउंड था वो था कुछ इस टाइप का, इसमें गर्ल है तो इसको हम रिमूव वगैरह नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छे से एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। लेकिन पिक्सार्ट में ले जाने से पहले हमको एक बार इसका दो स्टेप हैं वो हमें करना पड़ेंगे पिक्से प्रो में, एंड वो स्टेप पिक्सार्ट में भी हो सकते हैं, बट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी लॉस हो जाएगी। एंड अगर आपको यकीन नहीं आता तो वो दो स्टेप जो मैं करूँगा वो आप करके देख लेना पिक्सार्ट में, एंड फिर आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा आपके फ़ोटो की क्वालिटी लॉस हो गई। एंड फोटो की क्वालिटी अगर लॉस हो जाती है तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्वालिटी जब तक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। तो हम सिंपली से वो दो स्टेप को करते हैं। तो सबसे पहले सेंड कर दूंगा मैं इस इमेज को पिक्से प्रो में, एंड वो दो स्टेप हम सिंपली से कर लेते हैं, बहुत छोटे से स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ को चूज़ करने के बाद हम अपना बैकग्राउंड ओपन कर लेंगे एंड इस बैकग्राउंड को हम रोटेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। एंड इसके बाद हमको चलना है सबसे पहले एडजस्ट ऑप्शन में, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है रिसाइज का। इस रिसाइज ऑप्शन के अंदर आने के बाद सबसे पहला आपको साइज़ चूज़ करना है 17 एंड 18, एंड सेकंड साइज़ आपको चूज़ करना है 23 एंड 83। तो ये साइज़ आपको चूज़ करने के बाद आपको सिंपली से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको करना है स्केल, एंड स्केल करने के बाद डायरेक्टली आपका ये सेंटर में ये चूज़ कर लेगा। एंड सेंटर में जैसे ही चूज़ हो जाता है हमारा, तो करना क्या है आपको, सिंपली से राइट पर क्लिक करना है एंड कुछ भी नहीं करना है। अब आपको एक जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप तो ये हो गया, तो दूसरा स्टेप हमको चलना है इफेक्ट ऑप्शन में, इंसर्ट पिक्चर में, एंड एक बैकग्राउंड में से हमको कटआउट करना है थोड़ा सा, जो पत्थर वाला आपने देखा था, मैं पत्थर पर बैठा हुआ था, तो उस बैकग्राउंड से हमको वो लेना है, ठीक है। तो गाइज, ये था वो बैकग्राउंड, एंड इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे, एंड इसका जो पत्थर था आपने देखा होगा उसमें, तो वो ये था, तो ताकि वो गर्ल भी छुप जाए एंड हम अच्छे से बैठ पाए वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा हमारा एक सीन बनेगा एंड बहुत ही मतलब कि झक्कास कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले इसको इस टाइप से हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। एंड जूम करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को वापस बढ़ा देंगे एंड राइट पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। एंड सबसे पहले एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इरेजर की जो है हार्डनेस आपको कम रखनी है, एंड साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी अब हमको करना है इसको रिमूव। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया, ऊपर से कर दिया रिमूव, एंड ऊपर से रिमूव करने के बाद सीधा हम नीचे से कुछ इस टाइप से रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से रिमूव करने के बाद अब गाइज हमको क्या करना है, राइट पर क्लिक करना है एंड इसका जो है कटआउट निकाल लेना है, ठीक है। एंड राइट पर क्लिक करने से पहले एक छोटा सा स्टेप, यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है, एंड इसकी ना सैचुरेशन हमको कम कर देनी है इस टाइप से, ठीक है। तो सैचुरेशन कम करने के बाद ही आप राइट पर क्लिक करें एंड इसको यस कर दें। यस करने के बाद जो अभी हमने कट किया है इसका कटआउट हमारा सेव हो जाएगा, एंड अब हमारा जो स्टेप है वो इसी कटआउट को एक बार फिर से लेकर आना है, एंड इस कटआउट को लाने के बाद गाइज इसके बराबर करना है एंड इसको कुछ इस टाइप से नीचे पलट देना है। एंड पलटने के बाद, क्योंकि वाटर रिफ्लेक्शन हमको बनाना है बहुत अच्छे से, एकदम क्लियरली बनाना है, तो कुछ इस टाइप से हम करेंगे इसको एकदम परफेक्टली मैच कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो इस टाइप से मैच करने के बाद अब क्या करना है, हमको हल्का सा इरेजर में सॉफ्टनेस लानी है, एंड ये जो लाइन वगैरह दिख रही है तो इनको सॉफ्ट कर देना बस हल्का सा, ठीक है। एंड सॉफ्ट करने के बाद अब जो हमारा स्टेप है इसकी हल्की सी हम ओपेसिटी ब्लेंड में जाकर बहुत ही नॉर्मल सी कम कर देंगे, एंड कम करने के बाद अब जो हमको वेव बनानी है वो इस टाइप से हम बनाएंगे वार्प में। एंड जो अगर हम ये वार्प में पिक्सार्ट में जाते तो जब हम वॉर्प करते जितना ज़्यादा करते उतनी ज़्यादा हमारी मतलब कि फ़ोटो की क्वालिटी लॉस होती चली जाती है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता फिर हमारे कॉन्सेप्ट के लिए। तो इस टाइप से हमने ये वेव बना दी एंड बहुत ही अच्छा हमारा रिफ्लेक्शन बन चुका है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं एंड इसी बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे अपने पिक्सार्ट में, ठीक है। ओके गाइज, तो मैंने अपना जो बैकग्राउंड अभी बनाया था पिक्से प्रो में, इसको ओपन कर लिया है अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में, एंड अब जो हमने अपना फ़ोटो क्लिक कराया होगा उसको हम सिंपली से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है गाइज।
ओके गाइस, तो ये है मेरा कटआउट जो कि मैंने अपना कट करके रखा हुआ था। तो कटिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है मेरे इसी यूट्यूब अकाउंट पर, तो आप सर्च कर लेना या फिर देख लेना, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमको कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर देना है सबसे पहले। एंड एडजस्ट करने के बाद आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपका कैसा लग रहा है फ़ोटो, बाकी एडजस्ट बहुत अच्छे से हमको करना है। तो गाइस कुछ इस टाइप से हमने कर दिया इसको एडजस्ट, एंड एडजस्ट करने के बाद हम कर देंगे राइट पर क्लिक। ठीक है, एंड इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिटार को अपने हैंड में अच्छे से पकड़ा देंगे। तो ठीक है गाइस, तो सबसे पहले चलेंगे प्लस के आइकन पर। एंड गाइस ये रहा हमारा वायलिन, एंड इस वायलिन को, सॉरी मैंने पहले गिटार बोल दिया था, बट ये वायलिन है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कुछ इस टाइप से अपने कंधे पर सेट करेंगे। एंड गाइज इसको करना है सबसे पहले अपने हैंड से इस टाइप से रिमूव, एंड रिमूव करने के बाद तो गाइज कुछ इस टाइप से हमने एकदम अच्छे से वायलिन को पकड़ा दिया। एंड वायलिन को पकड़ाने के बाद सबसे पहले हम टूल्स में चलेंगे, एडजस्ट में जाएंगे, एंड यहाँ पर सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस को कम करेंगे, एंड इरेजर पर जाएंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे। एंड इन्वर्ट करने के बाद इस फोटो को हम सबसे पहले कर लेते हैं जूम, एंड जूम करने के बाद हल्की सी इसको रिस्टोर में जाएंगे, एंड हार्डनेस कम करेंगे, ओपेसिटी को भी कम करेंगे, एंड यहाँ पर बना देंगे हम हल्की सी शैडो। एंड शैडो बनाने पर काफ़ी अच्छी एक रियलिटी आएगी, तो आप इसको ज़रूर बना लीजिएगा। एंड अगर आपके फिंगर के ऊपर ये ब्रश चल जाए तो इसको हम छोटा सा करने के बाद अपने फिंगर से रिमूव कर देंगे, एंड काफ़ी अच्छी हमारी जो है शैडो क्रिएट हो जाएगी। एंड शैडो क्रिएट होने के बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे, एंड दूसरी PNG को लेकर आएंगे जो कि गिटार वाली स्टिक होती है, सॉरी वायलिन वाली स्टिक, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो गाइज इस वायलिन में से हमको इस स्टिक का ऊपर वाला पार्ट क्रॉप कर लेना है सिंपली इस टाइप से। ठीक है, एंड क्रॉप करने के बाद हम करेंगे राइट पर क्लिक, एंड राइट पर क्लिक करने के बाद जो हमने सेल्फी स्टिक अपने हैंड में होल्ड की हुई है तो उसके ऊपर ही हमको इसको सेट कर देना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एकदम अच्छे से रियलिटी आए। तो बस इस टाइप से हमको कर देना है इसको सेट। ठीक है गाइज, एंड सेट करने के बाद जो हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, एंड इसके बाद हम कर देंगे राइट पर क्लिक। एंड हमने बहुत ही अच्छे से गिटार को तो पकड़ लिया हैंड में, बट अब हमको बनाना है वाटर रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए जो हमने कटआउट अभी लगाया था अपना खुद का, उसको दोबारा से लेकर आते हैं। ओके गाइज, तो ये रहा हमारा फोटो, इसको हम सिंपली से सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड कर देते हैं। एंड इसको सबसे पहले कर देंगे मिरर कुछ इस टाइप से, एंड इसको कर देंगे नीचे उल्टा एकदम। ठीक है, एंड इसके बाद हमको एकदम परफेक्टली एडजस्ट कर देना है एंड अच्छे से रिफ्लेक्शन बना देना है। ओके गाइज, तो कुछ इस टाइप से हम एकदम परफेक्टली मैच कर देते हैं, एंड मैच करने के बाद हमको इस पर टैप करना है, इरेजर पर जाना है, एंड इरेजर हमको हार्ड रखनी है। ठीक है, हार्ड रखने के साथ साथ सबसे पहले इस टाइप से हमको रिमूव करना है, इस टाइप से करना है, इस टाइप से करना है, एंड इस टाइप से करना है, एंड ये वाला पार्ट आप रिमूव ही कर दीजिए, एंड इसके बाद कर दीजिए राइट पर क्लिक। ठीक है, अब जो स्टेप है वो हमको लेना है इस टूल्स एंड स्ट्रेच वाले ऑप्शन के अंदर जाकर। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम वॉर वाले ब्रश का यूज़ करके इसमें वेव इफेक्ट डाल सकते हैं, बट गाइज यहाँ पर क्या होगा, आपके फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लॉस होने लगेगी। जितना ज़्यादा आप ब्रश को चलाओगे उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी लॉस होती चली जाएगी। तो ये मैं आपको एग्जांपल के लिए करके दिखा रहा हूँ, बट अब हम चलेंगे पिक्सी प्रो में, एंड यही स्टेप को पिक्सी प्रो में कर लेते हैं। तो गाइज मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर अपने इस इमेज को, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो गाइज इसको जूम करना है, इफेक्ट ऑप्शन में चलना है, एंड वॉर्प ऑप्शन में जाना है, एंड यहाँ पर गाइज क्या होगा कि हम इस इफेक्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, एंड वहाँ पर बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं हो पा रहा था। अप्लाई तो हो जा रहा था बहुत अच्छे से, बट आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप ये स्टेप को तो यहाँ पर लें, ताकि आपकी क्वालिटी लॉस ना हो। एंड आप देख सकते हैं कि वेव इफेक्ट इतना ज़्यादा रियलिस्टिक पड़ रहा है यहाँ पर, जितना कि वहाँ पर रियलिस्टिक तो उतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। तो गाइज ये ऊपर वाले पार्ट में हमको ये वेव इफेक्ट डालने के बाद एक सिंपल सा स्टेप हम करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, एंड जो हमने अभी बैकग्राउंड को तैयार करा था उस बैकग्राउंड को सबसे पहले हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड को हम लगाएंगे, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा हमारे पूरे इमेज पर। पूरे पे से सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, पूरे पे से हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अब ये वाले पार्ट्स को अभी हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है,
एंड हटाने के बाद हमारे पास इसी इन्हीं पार्ट्स का एक कटआउट रखा हुआ है, उन कटआउट को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो गाइज ये रहा वो वाला कटआउट, तो इसको हम सिंपली से यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो कुछ इस टाइप के वो पार्ट्स थे, हम इन पार्ट को यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। ये फेस वाला जो पार्ट है ये रिमूव कर देते हैं अभी के लिए, एंड इसको यहाँ पर लगा रहने देते हैं। एंड इसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे एंड एक बार फिर से वॉप ऑप्शन में चलते हैं एंड वही चीज़ हम दोबारा से यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, वेव इफेक्ट हम डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा हमारा ये एक इफेक्ट बनकर आएगा और बहुत ही रियलिस्टिक ये लगेगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमको हमने ये कर दिया था ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आए। एंड वाटर में कुछ इसी टाइप से कट कट होकर हमारा, मतलब कि उसका जो आपने देखा था जो पहले बैकग्राउंड में गर्ल थी तो उसका कट कट होकर आ रहा था, तो इसी टाइप से मैंने बनाने की कोशिश करा है। तो इस टाइप से आप कर दीजिए एंड करने के बाद ये वाला पार्ट हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा फेस की स्किन दिख रही है इस चीज़ को भी हम रिमूव कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फेस की स्किन दिख रही है इसको हम सिंपली से रिमूव कर देते हैं। एंड रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा ये वाला पानी वाला इफेक्ट बन चुका है। अब सिंपली से हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने फाइनल ओपन कर लिया है इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में। एंड अब सिंपली हमको सबसे पहला जो स्टेप लेना है, जो हमने ब्लैक क्लॉथ्स पहने हैं इनमें ब्लू कलर की शेड्स आ रही हैं, तो सबसे पहले ब्लू टोन में जाकर इसकी सैचुरेशन को हम कर दिए हैं माइनस। एंड माइनस करने के बाद अपनी फेस की ल्यूमिनेंस, सॉरी इसकी सैचुरेशन को माइनस करेंगे एंड ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे। रेड टोन में जाएंगे, इसकी सैचुरेशन बढ़ाएंगे। एंड इसको करने के बाद गाइस सिंपल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, इसको जूम करेंगे एंड चलेंगे सेलेक्टिव ऑप्शन में, प्लस के आइकन पर एंड ब्रश के आइकन पर जाएंगे एंड इसको सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एंड सेलेक्ट करने के बाद इरेज करेंगे कुछ इस टाइप से, इरेज कर देता हूँ मैं। एंड इसके बाद हम इसका एक्सपोजर हल्का सा कम कर देंगे, ठीक है। एंड इसको हम थोड़ा सा और नीचे की साइड से रिमूव कर देते हैं एंड हल्का सा ब्रश से वापस सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम फिर से इसका थोड़ा सा कर देते हैं एक्सपोजर माइनस। इसके बाद फिर से ब्रश में जाएंगे, ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड एक बार फिर से एक्सपोजर माइनस। एंड ये हमारी शेडोज बन जाएंगी। अब गाइज हमको क्या करना है, यहाँ से कर देना राइट पर क्लिक। एंड राइट पर क्लिक करने के बाद हमको थोड़ी सी टोन्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले आप लाइटिंग ऑप्शन में जाओ एंड इसका कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ा देना एंड शेडोज़ हल्की सी माइनस की तरफ आपको कर देनी है ताकि हमारी शेडोज़ बहुत अच्छी सी क्रिएट हो जाए। एंड इसके बाद इसका कॉन्ट्रास्ट आपको वापस माइनस कर देना है। एंड अब चलना है इफेक्ट ऑप्शन में एंड स्प्लिट टोन में एंड इसकी हाइलाइट्स में हल्का सा ये वाला टोन दे देना है जहाँ पर मैंने ये पॉइंट को सेट किया, यहाँ पर आप कर दीजिए। एंड इसके बाद आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर हमारा फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आप भी इस फ़ोटो को बनाइए एंड इस टाइप से रीटच वगैरह सब कुछ करने के बाद इंस्टाग्राम पर अपलोड कीजिए एंड मुझे टैग कर देना ताकि मैं देख पाऊँ आपका फ़ोटो, आपने कैसा बनाया फिर कैसा नहीं बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।